पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून डे की तकरीब, पश्तून और बलोच तलबा की सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में रैली, इलाकाई लिबास पहने बलोच तलबा ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आतिफ, आगाह कीजिए। फाइल डे मनाया जा रहा है जिसमें पश्तून और बलोच स्टूडेंट जो हैं वो भरपूर शिरकत कर रहे हैं। एक रैली का आगाज जो है वो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हुआ और उसके बाद जिसमें पश्तून और जो बलोची स्टूडेंट्स हैं वो शामिल है, जिन्होंने रवायती और सकाफती लिबास पहन रखे हैं और ढोल की थाप पर वो डांस भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो है रैली पंजाब जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर लियाज अहमद, उनके ऑफिस के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर ये रैली पहुँच गई और यहाँ पर फिर सकाफती रंग पेश किए जाएंगे, जिनमें जो है रक्स भी पेश किया जाएगा, जिसमें बलोची चाप है और पश्तून जो कल्चर के हवाले से जो रक्स वगैरह होता है वो यहाँ पर होगा। रैली वीसी ऑफिस के करीब पहुँच चुकी है और इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं कि गुज़िश्ता रोज भी एक जो है लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया था जिसके बाद यूनिवर्सिटी में पुलिस को तलब किया गया था और आज भी ये खदशा था कि तलबा तंजीम की जानिब से जो है इस रैली पर हमला किया जा सकता है। तो इसको देखते हुए इंतजामिया की जानिब ने जो है इंतजामिया की जानिब से पहले ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रैली के आगे जो है पुलिस की नफरी मौजूद है, इसके साथ साथ इंतजामिया के लोग रजिस्ट्रार डॉक्टर खालिद भी जो रैली में इस वक्त आगे आगे जा रहे हैं और भरपूर इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज।